दैनिक जागरण वगैरह में ही पढ़े हैं कि जैसा आदमी का वो भावी होता है वैसे ही संग और साथ बनते जाते हैं। जब आध्यात्म तरफ बढ़ता आदमी तो ये सब तुच्छ लगने लगता है और भी सुख जो है उससे ये बड़ा लगने लगता है, धन दौलत ये सब वो। लेकिन बिना धन दौलत का पढ़ना भी नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि जो भी घटना आपको लगती है कि आकस्मिक घटना है, ये सिर्फ अज्ञानता की वजह से होती है। यहाँ कोई घटना आकस्मिक नहीं है। एक छोटी सी चींटी भी ना कुछ कर रही है ना, तो उसके अपने एक चेतना के हिसाब से कर रही है, वो एक्सीडेंट से नहीं कर रही है, चेतना के हिसाब से कर रही है। और अगर हमारा पैर से वो दब जाए तो वह भी जो है वह भी आकस्मिक नहीं है। आकस्मिक यहाँ कुछ भी नहीं है। जो आपको आकस्मिक लगता है नियतिवाद हो गया ना, वाद की मतलब ही नहीं है, जो है उसकी बात कह रहा हूँ मैं। वाद का मतलब होता है कि कोई एक फिलॉसफी गढ़ देना, समझ रहे हैं। वाद का प्रतिवाद भी होता है, संवाद भी होता है, लेकिन जो तथ्य होता है उसका ना वाद होता है ना प्रतिवाद ना संवाद होता है। जैसे कोई घटना घट रही है तो वह ऐसा ही है, ऐसा घटता ही है, धर्म विरुद्ध है। क्या चीज, हम कोई भी हम आप कृत करते हैं, हम कृत करते हैं, कोई धर्म विरुद्ध नहीं है कुछ भी। देखिए एक जो है ना, आप धर्म किसको समझते हैं, धर्म की परिभाषा पर फिर जाना पड़ेगा ना। अगर आप धर्म की बात करेंगे तो कि धर्म क्या है उस पर हमें जाना पड़ेगा। कहा गया है मनुस्मृति में धर्म की परिभाषा देते हुए कहते हैं मनु महाराज, धरती क्षमा दमो अस्तम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। तो ये बता रहे हैं कि जो आपका संयम है, आप में धारण करने की क्षमता है, स्वाध्याय है, असोच है, यानी आप पवित्रता जो है आपकी वो धर्म का लक्षण है। स्वाध्याय होना चाहिए, सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, और जो है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों पर संयम होना चाहिए आपको। ये सब धर्म के लक्षण हैं। 10 लक्षण बताए गए हैं। दमन करना, अपने इंद्रियों का दमन करना, यानी कुवृत्तियों का दमन करना। हम लोग जब धर्म की बात करेंगे तो हम लोग को शास्त्र की परिभाषा से चलना पड़ेगा ना। क्षमा कर देना किसी को, चोरी नहीं करना किसी का। दमन में तो जैसे आचार्य रजनीश की फिलॉसफी है, जब आप दमन करेंगे तो वो विस्फोट होकर बाहर आ जाएगा। आप दमन न करिए, उसको निरीक्षण, ऐसा है ना कि वो जो रजनीश जो कार है ना, जिस दमन के बाद, वो ऐसा है कि वो बिना समझ के उसके विज्ञान को, और जब हम दमन करते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप दमन नहीं कर सकते, यानी आपको समझ नहीं है उसके रहस्य की, तो हाँ, जब आपको रहस्य की समझ हो जाएगी तब जो दमन होगा ना अपनी कुवृत्तियों का, वो विस्फोट नहीं करता है। हाँ, तो इसीलिए तो कहा गया है इसमें ज्ञान का भी तो महत्व है, सत्य का महत्व है ना। और वो तो कह रहे हैं, इसलिए वो जिस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं रजनीश जो, वो ये है कि जैसे कि हमें उसके बारे में कुछ आता पता भी नहीं हो, बस किसी ने सुन लिया, अब हम उसको दमन करने लगे, दबाने लगे जबरदस्ती। तो भगवान ने भी उसको मना किया है, गीता में भी भगवान ने कहा है कि इस तरह का जो दमन करते हैं बिना किए हुए, तो फिर इसका मतलब कि वो जब मिथ्याचार को ही वो बढ़ाते हैं, गीता में भी भगवान ने कहा है। तो उस तरह के दमन की बात नहीं हो रही है यहाँ। जो ये जो दमन करते हैं शब्द पर इसलिए नहीं जाना चाहिए, और किस परिप्रेक्ष्य में कहा है। तो मनु महाराज जो यहाँ पर दमन किए हैं, या पतंजलि जी जो दमन की बात करते हैं, तो वो दमन ना समझी की दमन नहीं है, वह कुवृत्तियों की दमन है। हम पूरा तरह समझते हैं तो बहुत आदमी उसी मार्ग से, हाँ मार्ग मार्ग तो तभी ना पहुंचेगा। हाँ वह तो बात है भाई, गिरता पड़ता है, समझता उठता बैठता सीखता हुआ इसी तरह से चलता है, वह तो ठीक है। वैसे दमन करेगा तो मान लीजिए विस्फोट होगा, तो मान लीजिए रजनीश वाला ही अगर हम चलें लेकर के,
तो विस्फोट होगा, तो विस्फोट होगा तो क्या होगा, फिर कुछ सीखेगा ही तो, और उसके बाद फिर कुछ करेगा, फिर वो और कुछ सीखेगा, इस तरह से वही बात। जैसे साइकिल चलाना है बच्चे को, चलाएगा तभी नहीं जानेगा। लेकिन वो रजनीश जो दमन की बात कर रहे हैं ना, वो अज्ञानता वाला दमन की बात कर रहे हैं, और जो पतंजलि जी या मनु महाराज जो इसने दमन की बात की है, या गीता में भी दमन की बात आई है, अवस्था है ना, गीता में भी दम सम की बात आई है, तो वहाँ पर जो है वह ये दमन नहीं है। तो भाई बुद्ध वाली बात हो गई, निग्रह वाली, हाँ वह अनाशक्ति भाव, हाँ अनाशक्ति भाव, वो बुद्ध की बात नहीं है, वो वैदिक बात है, बुद्ध ने वहाँ वेद से लिया है। ठीक है मनु भाई, वैदिक ही बात तो बुद्ध कह रहे हैं, कोई अलग तो कह नहीं रहे, अलग नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम रेफरेंस जब भी देते हैं ना तो ओल्डेस्ट का देते हैं, नहीं तो फिर माना जाएगा कि यहाँ शुरुआत तो यहीं से किया है। जैसे कुछ लोग हैं, अरे ये तो योग, ये तो बाबा रामदेव का योग है, लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं। रामदेव का कौन योग है, कोई योग नहीं है, जो भी योग है वो आदिकाल से चलता आ रहा है। पतंजलि जी का भी योग नहीं है, पतंजलि जी से पहले योग था। योग के आदि गुरु जो है सिर्फ भगवान शिव को माना जाता है। समय समय पे नवीनीकरण है, अब कृष्ण भगवान, राम भगवान, अब 150 साल बाद मोदी आ जाएंगे, अब अहिंसा में होता रहता है, गांधी जी आ जाएंगे भाई, कोई नाम लेगा। प्रकाश जी थोड़ा रुकिए, उस विषय को थोड़ा समझने का प्रयास करिए, जो आपने वो कहा ना, तुरंत आपने कहा ना कि नियति बात, ज्यादातर लोग ये इस बात को ऐसे ही कहते हैं कि अरे सब कुछ पहले से तय है तो ये क्यों नहीं हो गया, फिर ऐसा क्यों नहीं हो गया, तो उस पर गुरु जी को जरा सुनिए तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ही क्लिष्ट पॉइंट है। नहीं आपने कहा, जिसे ज्यादातर लोग इसको कहते हैं अरे फिर तो सब भाग्यवादी हो जाएगा व्यक्ति, फिर तो पुरुषार्थ सोच भी नहीं करेगा, ऐसी बात है, उस पर गुरु जी को आप सुनिए थोड़ा सा। गुरु जी वो बताइए जो प्रारब्ध और जो कर्म का मिलकर के जैसे होता है, थोड़ा उसके लिए आपको थोड़ा गहर से थोड़ा सुनना पड़ेगा, सुनिए पहले, क्योंकि बीच में टोकेंगे तो विषयांतर होता रहेगा, बीच में टोकेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक वाक्य भी पूरा नहीं किया, टोक दिया तो विषयांतर होता चला जाएगा। ये बहुत अच्छा विषय है, इसलिए मैं देखिए भाग और कर्म जो है ना, इसका जो है विवाद बहुत पहले से होते आ रहा है, बहुत पहले से ही भाग और कर्म का विवाद है। मनुष्य के मन में जिज्ञासा होती है कि क्या हम कर्म से अपने भाग्य का निर्माण कर देंगे, या भाग्य के हिसाब से हम अपना कर्म करते हैं, ये जो है ये विवाद बहुत समय से चलता आ रहा है। हम अगर कर्म की बात करें तो यहाँ पर कर्म के विषय में दो प्रश्न उठेंगे, एक तो जो है मेरे द्वारा किया गया कर्म, और एक है कि ये पूरा अस्तित्व जो कर्म कर रहा है। पहले हम अपने ही के जरिए लेते हैं, कोई भी जो कर्म होता है बिना विचार के हो ही नहीं सकता, यानी बिना ज्ञान के आप कर्म नहीं कर सकते। क्रिया तो आपसे हो सकती है, कर्म नहीं हो सकता, बिना विचार किए आपसे क्रिया तो हो जाएगी, जैसे कि दिल धड़क जाएगा बिना विचार किए, लेकिन कर्म नहीं होगा, यानी किसी चीज़ को उठा करके जैसे उधर रखना है या बोलना है, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कर्म की बात होती है और क्रिया की, इन दोनों की बातें जो हैं, कर्म हो चाहे क्रिया, से हवा बह रही है तो ये क्रिया है, ये कर्म नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए, लेकिन ये पूरे अस्तित्व के लिए, क्या पता ये कर्म हो, पूरे अस्तित्व की बात करें तो इसको प्रवाहित करने के लिए भी कोई ना कोई चेतना है लगी हुई जो इसको प्रवाहित कर रही है। तो हवा का बहना, प्रकाश का चलना, पानी का बहना, जो भी है हम लोग जो प्रकृति के तहत महसूस कर रहे हैं, तो ये जो क्रिया है, क्रियाएं चल रही हैं, यह भी किसी का कर्म हो सकता है। तो अध्यात्म यह मानता है कि यह परमात्मा का कर्म है, परमात्मा ये कर्म कर रहे हैं। अब जीवात्मा की बात होती है कि तो हमारे यहाँ भी क्रिया हो रही है, जैसे दिल का धड़कना, खून का अपने शरीर में वो होना, हम लोग जब गहन निद्रा में सो जाते हैं तो उस वक्त भी पाचन क्रिया और ये सब क्रियाएं सब चलती रहती हैं, श्वसन क्रिया चलती रहती है बिना सोचे विचारे भी। तो ये जो क्रियाएं हैं ये भी चेतना से चल रही है, तो ये माना जाता है कि ये जीवात्मा की चेतना से हो रही है। और जो हम कर्म करते हैं तो उसमें जो हमारी चेतना है उसका मन के द्वारा संचालन जरूरी है, यानी कर्म में मन का शामिल होना अनिवार्य है।
मन बुद्धि जब शामिल होते हैं तभी कोई कर्म होता है, अंतः कर्म होता है। कर्म और क्रिया में अंतर तो बस इतना हो जाएगा, क्रिया जो है किसी वस्तु की मात्र गति है, कहीं से कहीं गति हो रही है तो उसको क्रिया कहेंगे, और कर्म में अंतर यह है कि कोई भी जो गति हो रही है उसमें हमारा मन शामिल होना चाहिए, मन संचालित करता हुआ होना चाहिए, ये अंतर है। तो अब जो प्रश्न उठता है कि ये तो कर्म हो गया, अब ये कर्म किसके अनुसार से चल रहा है, तो शास्त्र हमारा ये कहता है कि ये सारे जो कर्म हैं तो व्यक्ति के द्वारा जो चल रहे हैं उसमें जीवात्मा की भूमिका होती है, और पूरे अस्तित्व में जो हो रहा है उसमें परमात्मा की भूमिका होती है। प्रकृति के द्वारा ये संचालित हो रहा है, लेकिन वह प्रकृति किसके द्वारा संचालित होते हैं, तो वह परमात्मा के द्वारा संचालित हो रही है, यानी प्रकृति की जो क्रियाएं हैं उसके पीछे जो माइंड है वो परमात्मा का है, मस्तिष्क परमात्मा का है, बृहत्तर मस्तिष्क, तो उस मस्तिष्क के द्वारा प्रकृति की ये क्रियाएं हो रही हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा के साथ देह संबंध बना करके कोई ना कोई क्रिया या कोई ना कोई कर्म किए जा रहा है, यानी परमात्मा और हमारे इंटरेक्शन से भी कुछ क्रियाएं हो रही हैं, क्योंकि हम लोग सब सारे शामिल हैं, लेकिन एक जीवात्मा को देखें तो परमात्मा और जीवात्मा के मिश्रण से संबंध से भी क्रियाएं और कर्म हो रहे हैं, और कई जीवात्माएं हैं और परमात्मा के संबंध से भी क्रियाएं और कर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठेगा कि ये जो कर्म हो रहे हैं क्या ये कर्म ऑटोमेटिक हो रहे हैं, स्वचालित हो रहे हैं, अपने आप ही हो रहे हैं, या इसको संचालित किया जा रहा है? एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न उठता है। ईश्वर के होने का एक प्रमाण यह भी माना जाता है कि यहाँ कोई भी घटना अपने आप होती हुई नहीं देखी जाती है, जैसे अपने आप खाना बन करके हमारे मुंह में नहीं चला जाता है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ जो भी घटना घट रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ जो है ऐसी चेतना का होना संभावित हो जाता है जो कि उसको उस तरह से अंजाम दे रही हो। तो अब हम लोग कोई भी क्रिया कर रहे हैं उसके पीछे परमात्मा का और अन्य जीवात्माओं का भी उसमें संबंध जुड़ रहा है, यानी यह समग्र रूप से चेतना जो है ना वो अपनी समग्रता में संचालित कर रही है। यानी एक आप अपने से सोच लें कि मैं यह कर दूंगा और वह हो जाए, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेक्शन परमात्मा से भी है, अन्य जीवात्मा से भी है, आपकी चेतना का। तो आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी जो करते हैं आपको लगता है कि मैं व्यक्तिगत कर रहा हूँ, तो वो वास्तव में व्यक्तिगत नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान नहीं होता है, इसलिए आदमी सोचता है कि ये व्यक्तिगत मेरा कर्म है, तो ये व्यक्तिगत कर्म नहीं है, ये अन्य जीवात्माओं की भी भूमिका इसमें है, परमात्मा की भी भूमिका है, सबकी भूमिका से कोई घटना घटती है, अन्यथा ऐसे घटना नहीं घट सकती है। तो जब सबकी भूमिका से घटती है, परमात्मा अनंत है, तो इसका अर्थ यह हो गया कि वह जो अनंत है उसकी तरफ से ही यह डिसीजन है और उसके डिसीजन से ही कोई घटना घट रही है, यानी पहले ही यह सब कुछ तय हो गया है, अनंत है, कोई भी जय घटना तो अनंत जो है ना वह सब कुछ तय कर पहले से ही तय ही है, एक तरह से यह मान लीजिए पहले से ही तय है कि इसको कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, इसकी गति क्या है। जैसे कि अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो विज्ञान यह मानता है कि ऐसा कुछ विस्फोट हुआ और उसके बाद यह जो है यूनिवर्स इस तरह से फैल रहा है, मान लीजिए ये थ्योरी है, लेकिन एक थ्योरी समझ के चल रहे हैं, अभी कोई फैक्ट नहीं हुआ है, परंतु इस थ्योरी का भी कुछ आधार है, वैज्ञानिकों ने आधार दिया, तो ये फैल रहा है, इसकी कुछ गति है, उसके हिसाब से फैल रहा है, यानी इसका जो है पूर्व भाग जो है एक नियोजित है, इसको यहाँ से यहाँ यहाँ से ऐसे फैलना है, उसके बाद फिर जो है इसको फिर धीरे धीरे सिकुड़ जाना है। यही हम लोग का जो है शास्त्र भी कह रहा है कि एक समय ये ब्रह्मांड जो है फैल जाएगा और फैलने के बाद फिर जो है सिकुड़ करके पुनः वापस अपने पोजीशन पर आ जाएगा, फिर ये फैलता है और आता है अपने का अपने पोजीशन पर, मतलब अव्यक्त स्थिति में, जिसको जो अभी हम लोग जो अभी जो विष्णु जी का देखे हैं शयन साई विष्णु, तो उसका मतलब यही हुआ कि वहाँ पर जो है अव्यक्त स्थिति में पूरा ब्रह्मांड जो है आ जाता है, और फिर वहाँ से परमात्मा का प्रेरणा से काल के स्फुरण से फिर जो है वो फैल जाता है, यानी वहाँ एक जो महाकाल का फैक्टर आता है, तो महाकाल के फैक्टर से वो फैल जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि यह अस्तित्व जो है
यहाँ तो सब कुछ जो है पहले से सब कुछ निर्धारित ही है, ये समय से परे है। तो परमात्मा समय से चूंकि परे हैं, कालातीत हैं, और कोई भी जो घटना घटती है वो काल के संदर्भ में घटती है। कोई भी घटना घट रही है ना, वो काल के संदर्भ में घटती है, तभी हम कहते हैं कि पहले से है, बाद से है। और परमात्मा तो कालातीत है, समय से परे है। तो समय से परे हैं तो इसका अर्थ हो गया कि समय को संचालित वे कर रहे हैं, समझे। समय उनको संचालित नहीं कर रहा है, समय से वो बड़ी यूनिट है, बड़ी इकाई है समय से। तो समय उनको संचालित नहीं कर रहा है, जिसका मतलब है कि घटना को समय नियोजित नहीं कर रहा। वास्तव में समय से हम घटनाओं के संदर्भ को समझ पा रहे हैं, बस इतना ही है। और उसको नियोजित जो है वो परमात्मा ही किए हुए हैं। समय तो समझ के लिए गुरु जी एक छोटा सा प्रश्न इसमें कर देता हूँ खाली, कि मान लीजिए अगर ये पूछे कि हम काठमांडू गए कैसे, आप बताएंगे कि ये परमात्मा ने तय किया। हम जिसे सामान्य आदमी क्या कहेगा, हम प्लान बनाए काठमांडू चले गए। अब आप इसको उस परिप्रेक्ष्य में बताइए कि नहीं, ये ईश्वर ने कैसे तय किया कि हम काठमांडू गए। ऐसा है कि ईश्वर ने कैसे तय किया, या तो ये तो ईश्वर से पूछ करके बताने से तब किसी को कोई मान्यता तो होगी नहीं, वो तो वैज्ञानिक ढंग से जी कि भाई कि ईश्वर से पूछ करके गए तो झूठा है, झूठी बात है। ईश्वर ने तय किया कैसे, समझ गए, ऐसे ही निकाल लेंगे। हाँ, तो ऐसा है ना कि हम अगर कर्म से कुछ कर पाते, कर्म का दायरा इतना बड़ा होता तो फिर तो हम कर्म से कुछ भी कर लेते। जैसे उदाहरण के लिए हम कर्म से हम सोचते कि हम ही पृथ्वी हो जाए, कर्म से हम सोचते कि जो है हम यहाँ से चंद्रमा तक पहुँच जाए, इसी तरह यहीं से बटे बटे हाथ फैला करते हैं। यानी कोई भी जो असंभव चीज़ है हम कर्म के द्वारा नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि कर्म की सीमा है अपनी, हमारे द्वारा किए गए कर्म की अपनी एक सीमा है, हम उतने ही तक जा सकते। जैसे हम एकाएक यहाँ से गायब होकर के तो वहाँ प्रकट हुए नहीं, हम तो गए ना किसी माध्यम से। इसका मतलब है कि कर्म की हमारी सीमा है, कैसे ऐसे जाएंगे। जीवात्माओं की भूमिका बनी तब ये हुआ, उसमें कई लोगों की भूमिका बनती है और पूरे अस्तित्व की भूमिका बनती है। जैसे कि मान लीजिए कि गाड़ी ही नहीं होती, गाड़ी का आविष्कार ही नहीं हुआ होता, समझ रहे हैं, तो हम कैसे जाते हैं। रोड ही नहीं बने होते हम कैसे जाते, प्लेन नहीं बने होते तो हम कैसे जाते, कंप्यूटर ये सब नहीं होता तो हम कैसे जाते, हाँ पैसे नहीं होते तो कैसे जाते, पैसे बनाने वाले नहीं होते, आप कमाए नहीं होते उसमें। अब एक एक में अगर आप देखेंगे तो कितने असंख्य कारक हो जाएंगे, बस यही पॉइंट। वो असंख्य कारक सारे मिल करके ही कोई भूमिका को अंजाम देते हैं, तो एक कोई अकेला कुछ नहीं दे रहा है, असंख्य कारक हैं उसमें, उसकी गणना नहीं की जा सकती है, आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कितने। अब इसी कार को बनाने में कितने तरह के लोग लगे हैं, कितने लोगों का दिमाग लगा, कितने लोगों का परिश्रम लगा, कितने लोगों का समय से लगा है, और तकनीकी हाँ, एक दिन में थोड़ी बनी एक दिन में तकनीक बनती है। समय की अनंतता, संसाधन की अनंतता, जीवात्मा आपके बड़े होने में, आप सोचिए मान लीजिए आप इतने बड़े नहीं होते, इतने पढ़े नहीं होते तो आपका जब आपका जन्म ही नहीं हुआ होता तो कैसे आप आते। तो वहाँ से अगर आप देखें कि वहाँ से आपको यहाँ आने में कितने लोगों ने सहयोग किया तब आप इतने बड़े हुए, उसी तरह से इनको कितने लोगों ने किया, हमको इनको सबको, तो कितने कारण हुए तब जाके घटना घटी है ना, कोई तब हम लोग वहाँ काठमांडू हो पाए ना। काठमांडू ही नहीं होता तो हम लोग क्या करते, कहाँ जैसे कैसे जाते, जैसे कोई तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि भाग एक बड़ा फैक्टर है और उस भाग के अंदर में कर्म जो है ना एक छोटा सा फैक्टर है आपका, जीवात्मा का कर्म। परमात्मा का कर्म तो खैर बड़ा हो गया, जीवात्मा का कर्म छोटा हो गया। तो ये सब संसाधन होता हाँ। लेकिन जीवात्मा ने तय किया कि मुझे जाना है हाँ, तो वो एक उसका पार्ट उसमें इन्वॉल्व हो गया, और वो अभी तब जब पूरा अस्तित्व साथ दे रहा था तभी वो घटना सोची, तब वो जीवात्मा पूरा अस्तित्व साथ नहीं देता ना तो नहीं जा पाते। एक्सीडेंट हो गया, पता चला रोड बंद है, खट दिया, सोच के भी कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, या सरकार ने मना कर दिया, या झगड़ा हो गया भारत नेपाल से, हम लोग नहीं जा पाते, समझ रहे हैं, या कोई घटना दुर्घटना हो जाती, हम लोग गाड़ी पलट जाती, हम लोग अस्पताल में होते, काठमांडू में नहीं होते। तो पूरा अस्तित्व जब साथ देता है तभी कोई घटना घटती है, आपके अकेले सोच लेने मात्र से नहीं होती। ये सोचना तो बहुत है, मतलब पूरा रेगिस्तान में मान लीजिए एक रेत का कण है बस आपका एक सोच है, लेकिन कोई घटना घट गई और आप उसमें किसी क्रोध बस चाहे उसकी बात इन्वायरमेंट है तो आप अपने को गिल्टी देते हैं ना, यही गलत करते हैं ना, फिर यही तो अज्ञानता है ना। प्रेरणा होती है परमात्मा की, प्रेरणा होती है, क्रोध भी परमात्मा का ही स्वरूप है ना,
रुद्र रूप भी तो परमात्मा का ही स्वरूप है, उसके लिए भी अपने को दोष मत दीजिए, वो ईश्वर की ही व्यवस्था है, ईश्वर की अभिव्यक्ति होती है, ईश्वर की प्रेरणा है। क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, द्रोह है, जो भी है, ये सब ईश्वरी प्रेरणा से है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर के नहीं है, काम क्रोध जो है ईश्वर के विरोधी है, ऐसा थोड़ी ना है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि विरोधी लोग फंस जाते कि काम क्रोध अगर काम नहीं होता तो हम और आप नहीं होते, हम ऐसे किए होते तो ऐसे ये यही हमने कर दिया तो ये हो गया, क्योंकि वो अपने को बहुत इम्पोर्टेंस दे दिया उसने। हाँ, वो चाहे अहंकार हो चाहे कुछ भी हो, अज्ञान भी हो सकता है ना, अहंकार के साथ साथ अज्ञानता है। तो हमने हमारी वजह से ये हो रहा है, ये बोल दिया तो ये हो रहा है, ये सब होता है। वास्तव में देखिए अज्ञान भी परमात्मा का ही स्वरूप है, अज्ञान भी एक छोटा ज्ञान है। तभी तो आदमी फिर उससे उस छोटे ज्ञान से बड़े ज्ञान की ओर जाता है, ज्ञान की ओर जाता है, सीखता है। तो छोटी छोटी गलती नहीं करेगा तो कैसे सीखेगा, तो वहाँ से प्रेरणा उसको मिलती है। क्या बात है, ज्ञान भी छोटा ज्ञान है, अभी ज्ञान का ही एक स्वरूप है। शुद्ध रूप से अज्ञान तो होता ही नहीं, इन्हीं सब विकल्पों में फिर खुद मन हो जाते। हाँ, तो गुरु जी कहते हैं कि जब तुम तो वाकई अध्यात्म की ओर जाओगे तो फिर मौन ही हो गया और कुछ नहीं। गुरु जी कहते हैं ना, फिर वो फिर मौन हो जाता है व्यक्ति। जैसे मैं गुरु जी से इस तरीके का बहुत जब भी किया हूँ सत्संग, तो मैंने कहा गुरु जी अब तो फिर कोई बात ही नहीं, उत्तर ही नहीं, तो कहा कि हाँ बिल्कुल, जहाँ उत्तर खत्म हो जाए वही अध्यात्म, जहाँ प्रश्न खत्म हो जाए उत्तर खत्म हो जाए। ये गुरु जी का ना प्रकाश जी, हम जैसे लोगों के जीवन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज मैं हर चीज को सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की व्यवस्था है। अगर मैं ऐसा कह पा रहा हूँ और सिर्फ मुंह से नहीं कह पा रहा हूँ, अंदर भी अनुभव कर पा रहा हूँ, तो यही गुरु जी की कृपा है और यही एक्सट्रीम नॉलेज है ना। जैसे अभी आप मेरे से क्या बात कर रहे थे, बेड़ोरा में ये हो जाता तो वहाँ किराया आ जाता, तो ऐसे वो सब अज्ञानता का बस प्रश्न है, वो अज्ञानता बस आप अपने को छटपटा रहे हैं, वो शुद्ध रूप से अज्ञानता है। लेकिन वो भी गुरु जी ने कहा कि वो अभी एक छोटा ज्ञान है, उसको मान लीजिए कि अब शायद उसको करते करते आपकी भाई आपके प्रारब्ध में अगर आप इस बात का उत्तर पा जाते तो आप आध्यात्मिक रूप से और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कोई बात इतनी सहज है, लेकिन हम उस बात को उतना ही सहज से प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु जी ने हम लोगों को एक छोटा, मैंने जो दुनिया का जो अस्तित्व का सबसे छोटा अक्षर है, उसी की प्रक्रिया हमको समझाई गुरु जी ने। और लग रहा है मुझे कि मैं 25 साल से ये क्यों नहीं पकड़ पा रहा था, एक अक्षर 25 साल से मैं लगा हूं और मैं नहीं पकड़ पा रहा था, जिसके लिए हमको यहां बुलाया गया। तो यही है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। एक घटना मैं पढ़ रहा था अखबार में कि एक प्लेन जा रहा, हाँ, उसे एक पक्षी टकरा गया, वो प्लेन का क्रैश हो गया। उन लोगों ने तो कैलकुलेशन नहीं किया होगा ना कि ऐसा कोई पक्षी कहीं मिलने वाला है जो क्रैश करेगा और हम लोग सारे मारे जाएंगे। तो आपके कैलकुलेशन से, आपके कर्म से सब कुछ नहीं हो जाएगा। अस्तित्व का कैसा इन्वॉल्वमेंट है वहाँ।